पाखेई आसुछि सामुद्रिक झड़ जवाद आज अवपात रे परिणत हेबो आंडामान सागर निकट रे सृष्टि लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करि एहा अवपात रे रूप नेब तेबे संभाव्य बात्या केउं स्थान रे स्थलभाग छुइब एहार तीव्रता केते रहिब ताहा आज स्पष्ट होइजिब। एहार प्रभाव रे 3 तारिख संध्या किंबा रातिरु ओडिसा रे वर्षा आरंभ होइजिब। 4 तारिख रु राज्य रे वर्षा रा परिमाण बढ़िब। यार प्रभाव में 100 रु 110 किलोमीटर बेगरे पवन बहिपे। 4 तारीख पर राज्यर 4 जिला को रेड वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। गजपति गंजाम पुरी और जगत सिंहपुर में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं रेड वार्निंग जारी करपर एक दिन केन्द्रापड़ा कटक खोर्धा नयागढ़ कंधमाल रायगढ़ और कोरापुट जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर बालेश्वर भद्रक जाजपुर और मलकानगि जिला को येलो वार्निंग आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। 3 तारीख रु 5 तारीख जाए मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को न जीवाकु परामर्श देछंती आईएमडी डीजी। 4 तारीख रे सबुठ अधिक वर्षा एवं अधिक पवन ओडिशा उपकूल रे उपकूलवर्ती जिला मानकर हेबार संभावना रहिछि। एथिपई जो मत्स्यजीवी भाई माने अछंती से माने समुद्र मध्य को जीवा उचित नुह। जो माने समुद्र रे अछंती से माने 2 तारीख सुधा उपकूल को फेरि आसीबा उचित। 5 तारीख जाए 3 तारीख आरंभ करि 5 तारीख जाए ओडिशा उपकूल आंध्र उपकूल वेस्ट बंगाल एवं बांग्लादेश उपकूल अशांत रहिबो पवन अधिक रहिबो तेणु कौन सी मत्स्यजीवी भाई सेटा को जीवा उचित नुह। जो एक्टिविटी रेनफॉल इंटेंस जो होगा 3rd में वो नाइट में इवनिंग व नाइट का तरह होगा, ठीक है। फिर 4th में इसका इम्पैक्ट हमारा मेनली 4th दिसंबर एंड 5th दिसंबर, मेनली 4th में सबसे ज़्यादा है 4th दिसंबर, फिर 5th में भी है, 6th है, फिर और इम्पैक्ट इसका नहीं रहेगा।